अरे ये क्या बेइज्जती है, अब घूर क्या रही हो? कितना है बुखार? 100 डिग्री है। 100 डिग्री है? मैंने कहा था ना मुझे बुखार है, 100 डिग्री बुखार है मुझे। इतना चहक के बोलने की जरूरत नहीं है, समझ आई? मुझे सब समझ आ रही है जो तुम नाटक कर रहे हो ना, ताकि मेरे मायके ना जाना पड़े तुम्हें। अरे यार नाटक नहीं है यार, 100 डिग्री दिखा रहा है ना। अरे तुम्हें तो मेरा ख्याल रखना चाहिए, और तुम कि मुझ पर ही चढ़े जा रही हो बेबी। तो मेरे मायके चलो ना, मैं वहीं रख लूंगी तुम्हारा ख्याल। इस बार वैसे भी मैंने सबको बोल दिया कि जीजा जी लंबे टाइम के लिए आएंगे। अरे यार क्या बात कर रही हो तुम, मतलब बुखार तो होना था तो हो गया। मैं तो कह रहा हूँ मैं नहीं जा सकता, लेकिन तुम तो जा ही सकती हो ना। पता है भैया ने तुम्हारी वजह से ऑफिस से छुट्टी ली हुई है, और वो लोग न जाने खाने में क्या क्या बना रहे सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या क्या बना के बैठे हुए, पागल बनाएंगे और क्या। कोई मेरा सर खाएगा, कोई मेरे पैसे खाएगा, बच्चा बच्चा मुझे रुलाएगा वहाँ पे। खुद से क्या बातें कर रहे हो तुम, है मुझसे बात करो। मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़ के तुम जैसे नालायक नशेड़ी 2% के आदमी के लिए इतने इस छोटे से घर में रहने के लिए आ गई, और एक तुम हो जो मेरे साथ मेरे राजमहल जैसे घर में नहीं जा सकते। मैं रोक थोड़ी रहा हूँ तुमको, तुम जाओ ना अपने राजमहल जैसे घर में जाके रहो। तो तुम मुझे जबरदस्ती मायके भेजना चाहते हो ताकि तुम यहाँ पे ऐसे गुलछर उड़ा सको। ऐसा कब कहा मैंने? हाँ बाबू मेरी कहाँ इतनी मजाल जो मैं तुम्हें मना कर पाऊँ, वो तो बस ये बीमारी है, वरना मैं पक्का चलता। इससे पहले भी ना तुम मुझे पूरे 17 बार मना कर चुके हो, इस बार तुम्हें चलना ही पड़ेगा, मेरी इज्जत का सवाल है। अरे यार तुम खाली हो क्या बुद्धि से एकदम? एक तो यहाँ मेरी तबीयत खराब है, ऊपर से तुम कह रही हो चलो चलो मायके चलो मायके चलो। ऐसा है मैं नहीं जाऊंगा, जो करना है करो, मैं तो नहीं जा रहा। नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा कहीं। अरे ठीक ठीक मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे ये क्या कर रही हो, पागल हो क्या तुम? ये तुम्हारे भाई ने नहीं दिया, ये मेरी अपनी कमाई का है। अरे बेबी मैं समझाता हूँ ना। अरे आराम से यार। हाँ ठीक है। तो इस कहानी से हम लोग को ये सीख मिलती है कि कभी अपनी बीवी से ना होशियारी नहीं करना चाहिए। अगर अपनी जान प्यारी है तो उसके साथ मायके जाओ, समझे? अरे तुम लोग कहाँ समझोगे यार। अरे अकेले में क्या बड़बड़ाए जा रहे हो, तब से दिमाग खराब करके रखा हुआ है। भैया आप चलो।